महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको महा मेट्रो भी कहा जाता है, उसने भर्ती निकाली है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए रेगुलर बेसिस पर सुपरवाइजरी कैटेगरी में, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही विज्ञप्ति जारी किया महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने, यानी महा मेट्रो ने, और फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 14 दिसंबर से। लास्ट डेट है 21 जनवरी। आप 21 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अपनी एप्लीकेशन फीस भी जमा करा सकते हैं। पहली टाइप की वैकेंसी आई है स्टेशन कंट्रोलर की, जिसको ट्रेन ऑपरेटर या फिर ट्रेन कंट्रोलर S1 भी कहा जाता है। 33 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। वैकेंसी आई है 56। 3 का आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, मैकेनिकल में हो। इन तीनों ब्रांच में से किसी भी एक ब्रांच में डिप्लोमा होना चाहिए 3 का। एज 18 से लेकर 28 साल होनी चाहिए और अपर एज में रिलैक्सेशन अप्रूवल दिया जाएगा। साथ ही आपको मराठी लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, यानी आपको लिखना पढ़ना और बोलना आता हो मराठी लैंग्वेज, और इसका आपका अलग से टेस्ट भी रहने वाला है। अगर हम बात करें सेक्शन इंजीनियर की, तो सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई है 4, जिसके लिए 40 वाले ग्रेड में आपको रखा जाएगा। 4 की आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, और मराठी लिखना पढ़ना बोलना सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। सेक्शन इंजीनियर आईटी के लिए 1 वैकेंसी आई है और आपके पास आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी 5 आई है, इसके लिए आपके पास 4 की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। एज 18 से लेकर 28 साल ही रखी गई है और मराठी लिखना पढ़ना बोलना आना मैंडेटरी है। सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी 1 आई है, जिसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री मांगी गई है। अगर हम बात करें जेई इलेक्ट्रिकल की, तो इसकी 8 वैकेंसी आई है 33 वाले ग्रेड में। आपके पास 3 का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। वहीं जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी है और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर हम बात करें जेई मैकेनिकल की, तो इसकी 6 वैकेंसी है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 का मैकेनिकल ब्रांच में। वहीं जेई सिविल के लिए 2 वैकेंसी है और आपका सिविल ब्रांच में डिप्लोमा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए सीरियल नंबर 1 के लिए, यानी ट्रेन कंट्रोलर के लिए। वहीं A3 रखा गया है बाकी वैकेंसी के लिए। ये इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से होना चाहिए। वो कैंडिडेट जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन उनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट को पुणे नागपुर में पोस्टिंग दी जाएगी, बाकी महा मेट्रो के जहां कहीं भी प्रोजेक्ट है वहां भी उनको सेवा करने के लिए भेजा जा सकता है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर यानी पोस्ट नंबर 1 के लिए आपका ऑनलाइन CBT होगा, उसके बाद साइको टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है, साथ ही आपको मेडिकल भी क्वालिफाई करना होगा। बाकी जो वैकेंसी है वहाँ पर CBT होगा, CBT के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेडिकल रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा उसमें आपके 3 पार्ट रहेंगे, Part 1, Part 2, Part 3, और ये 2 का आपका टोटल रहने वाला है। Part 1 में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे मराठी लैंग्वेज के, इसमें आपको 40% मार्क्स कम से कम लाने होंगे। इसको पास करने के बाद ही आपका Part 2 और Part 3 चेक किया जाएगा। Part 2 जो होगा वो होगा इंग्लिश मीडियम का, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस के, लॉजिकल एबिलिटी के, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। Part 3 होगा, उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये आपके कंसर्न डिसिप्लिन के रहने वाले हैं। जो कैंडिडेट Part 2 और 3 में क्वालिफाई होंगे उनको ही आगे भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनको ही साइको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। श्योरिटी बॉन्ड की बात करें, तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना होगा कि आप कम से कम 3 तक कंपनी में सेवा देंगे यानी सर्विस करेंगे। अगर आप पहले छोड़ देते हैं तो आपको 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन की बात करें, तो कैंडिडेट को 2 के प्रोबेशन पर रखा जाएगा, उसके बाद ही उनको परमानेंट किया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 400 है, वहीं 150 रखी गई है SST वुमेन कैंडिडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन आप www.punemetrorail.org पर जाके वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, पुणे मेट्रो में आई भर्ती के बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।